या मराठी कला, वेदर इट्स फिल्म, वेदर इट्स म्यूजिक, वेदर इट्स सॉन्ग, इज एक्चुअली बिकम वेरी ट्रेंडी राइट नाउ. बट लोगों को पता नहीं है कि बहुत सालों से बहुत क्वालिटी का काम हो रहा है और अभी इतना यू नो पॉपुलर हो गया है कि हम यहाँ आके प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. जी एक्चुअली मुझे कुछ मराठी गाना अभी याद नहीं है, मगर मैं यहाँ शो पे जाके मैं सुनने वाली हूँ. देखते हैं कौन से मराठी गाने वो गाएंगे. पर मुझे ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, इंडियन क्लासिकल. मुझे सितार और बांसुरी सुनना यू नो बहुत बहुत पसंद है, तो आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक अ लॉट. हाँ जी, मेरे हिसाब से एवरीबडी इज़ अ विनर. आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन ऑनेस्टली. मुझे बहुत ऐसा होता है जब मैं शोज़ पे जाती हूँ परफॉर्मेंस पे कि ये इससे बेहतर है कि ये बेहतर है, मुझे बहुत बुरा लगता है. तो मैं बोलती हूँ कि सब अच्छे हैं. द वेरी फैक्ट दैट वो मंच पे जाके कम्पीट कर रहे हैं, इट्स अ बिग डील यू नो. एंड आई डोंट बिलीव इन हैविंग सो मच कॉम्पिटिशन, वेदर इट्स ऑन शोज, वेदर इट्स ऑन म्यूज़िक. हम आते हैं यहाँ पर, हम अपनी फिल्म प्रमोट करते हैं और ये बहुत ही यू नो मनोरंजन है. आई गेस इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, बट आई स्टिल फील बैड व्हेन समबडी लूजेस एंड समबडी विंस. आई थिंक एवरीबडी शुड बी अ विनर. ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे. सोनम, जैसे कि मराठी फिल्मों के कंटेंट जो है हमेशा बॉलीवुड स्टार पे होते हैं, उनकी तारीफ. हाँ जी, हाँ जी. आपने कोई मराठी फिल्म देखी अब तक जो आपको बहुत पसंद आई है रिसेंटली? नहीं एक्चुअली रिसेंटली मैं ज़्यादा फिल्में, मैंने एक्चुअली हिंदी फिल्म भी नहीं देखे हैं रिसेंटली. एक पिछले एक दो सालों से आई थिंक मीडिया के टाइम पे एक मराठी फिल्म आई थी दो साल पहले और मुझे नाम याद नहीं है, बट बहुत पॉपुलर हो गया था एंड आई थिंक इट वन द नेशनल अवार्ड विथ मी. इट डिड विन द नेशनल अवार्ड विथ मी. सैराट नहीं मिला था. कौन सा एक मराठी फिल्म को मिला था नेशनल अवार्ड अभी? वेंटिलेटर. करेक्ट करेक्ट. हाँ हाँ. तो आई थिंक इट वॉज राजू सर के प्रोडक्शन का था ना? करेक्ट. हाँ, सो आई रिमेंबर दैट फिल्म. वो तो 2 साल पहले की पुरानी फिल्म है ना? इज इट रियली? मेरे को अनाउंस नहीं हुआ ना ऑफिशियली अब तक. डेट आई है? हाँ डेट आई है. चलो अच्छी बात है. जी मेरे हिसाब से कंपटीशन की ज़रूरत है आजकल फिल्मों के लिए एंड इट्स हाई टाइम द फिल्म रिलीजेस. तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सिनेमा इज़ गुड सिनेमा विच एवर फिल्म. आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन. हमारी जो फिल्म है बहुत आई थिंक ऑनेस्टली आई एम जस्ट हैप्पी दैट द फिल्म इज़ रिलीजिंग more than anything else and I hope the film does well. I'm pretty sure that it's not officially released because Raindrop is with me here. They have said that meko unhone kaha ki koi official statement nahi aaya hai production house se ya Viacom se, to unhone kaha ki aisi koi baat nahi hai, press ne apne aap likh diya. Ma'am jo ma'am jo badge mein 12% tax lagta hai, aapko lagta hai it should be a free of cost sanitary pad? Honestly, free of cost कुछ नहीं होता आजकल, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी टैक्स. इट शुड बी टैक्स फ्री. इट शुड बी टैक्स फ्री फॉर श्योर एंड इट शुड बी मोर चीपर फॉर श्योर. पर हमारे यहाँ ऐसी कुछ होती है इस पर होम ग्रोन, यू नो जो होम ग्रोन चीज़ें होती हैं, जो इंडिया में बनाई चीज़ें होती हैं, दे शुडन बी टैक्सड सो हाईली. दे शुडन बी सच अ हाई टैक्स ऑन इट एंड इट शुड बी ऑब्वियसली मोर चीपर फॉर पीपल टू कंज्यूम मोर. म्यूजिकल शो है, गाने का शो है, तो हाँ जी. आपको जो अच्छा गाना लगे आपका तो वैसा तो बहुत अच्छा है, तो कुछ बताएं. जी मैं गा नहीं सकती हूँ इसलिए मैं एक्टिंग करती हूँ. पर मैं बिल्कुल गायक नहीं हूँ, बिल्कुल गायक नहीं हूँ. पर मुझे बहुत पसंद है यू नो अच्छा म्यूजिक, अच्छी म्यूजिक, अच्छा गाना सुनना. ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, मैं कभी फिल्म करती नहीं हूँ अवार्ड्स के लिए. मुझे लगता है कि अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे सिनेमा का हिस्सा होना चाहिए बस. मैम आपके लिए 2018 बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है. हर साल इम्पोर्टेंट है सबके लिए. आपको क्या लगता है? मुझे 2018 इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं. नहीं, मेरे तीन रिलीजेज हैं इस साल मेरे लिए और मैं 3 फिल्म शूट भी कर रही हूँ. तो अभी मैं एक नई फिल्म शुरू करने वाली हूँ फेब्रुअरी में, फिर जोया फैक्टर शुरू करने वाली हूँ. और मेरे 3 रिलीजेज हो रहे हैं, तो फिल्मों के सिवाय मेरे मुझे और कुछ टाइम ही नहीं और किसी के लिए. मैम
ये सिल्क साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी, नया डिज़ाइनर वो याद नहीं है, डिज़ाइनर का बहुत ही खूबसूरत है, वो साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। और भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस साल आप शादी नहीं करने वाले? जी मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करती हूँ, मतलब सच्चाई है इसमें, हम ऐसा मान, मैं बात नहीं करती अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीरे दी वेडिंग मई में रिलीज होने वाला है, और पैडमैन, फिर वीरे दी वेडिंग और फिर दत्त, तो इसमें टाइम ही कहाँ है मेरे पास। और फिर मैं अभी फेब्रुअरी मार्च में शूटिंग कर रही हूँ, फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मेरी थीम है, यानी कि शूटिंग शुरू होने वाली है विनोद अंकल की दूसरी प्रोडक्शन के लिए। ओके।